नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश में कोरोना का कहर जारी है, रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली में फिर से मेट्रो शुरू करने और उसकी तैयारियों को लेकर जानकारी दी है, जरा देखिए। देखिए, सारे प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, पूरा के ड्राई रन भी इसी के लिए कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके और जो लोग हैं मास्क लगाएं, हैंड क्लीनिंग, जो पूरे जो कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करें। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू करने को लेकर सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम, महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ, 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर पीएस तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो को लेकर सरकार ने क्या कुछ SOP बनाई है, किन नियमों का आपको पालन करना होगा, अब जरा ये समझिए। 7 सितंबर से प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर केवल 1 या 2 तय गेट से यात्रियों को प्रवेश और निकासी की अनुमति दी जाएगी, सीमित संख्या में ही गेट खोले जाएंगे। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन के ऐसे सभी निर्धारित गेटों की संख्या आम जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट www.dillimetrorail.com तथा आधिकारिक सोशल मीडिया पर दी जाएगी। स्टेशनों के साथ मेट्रो ट्रेनों में प्रवेश करते समय और पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। AC में फ्रेश एयर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। मेट्रो में सुरक्षित सफर के लिए विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले ये जान लें कि शुरू में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा और कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होंगे। मास्क के बगैर आने वाले व्यक्ति को एंट्री पॉइंट पर मास्क खरीदना अनिवार्य होगा, जो महंगा हो सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, हो सके तो यात्री खुद अपने पास रखें। प्लेटफॉर्म मेट्रो के अंदर भीड़भाड़ न हो, इसका पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही व्यक्ति को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। इस कोरोना काल में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, तो आपसे अनुरोध है कि आप सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।